उत्तर प्रदेश में सियासत लगातार तेज हो रही है और सियासत तेज होने के बाद जनता भी कंफ्यूज्ड नजर आ रही है, क्योंकि ये माना जा रहा था कि केशव प्रसाद मौर्य योगी की कुर्सी लेने के लिए उतारू हैं। लेकिन एक तस्वीर आपको दिखाएंगे जिसे देखकर ये साफ हो जाएगा कि केशव भी शायद योगी की ताकत को जान गए हैं। एक तस्वीर ने ये बता दिया कि आखिर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का भौकाल क्या है। एक तस्वीर ने ये बता दिया कि मोदी और शाह ये जान ले कि योगी के अंदर कितनी ताकत है। एक तस्वीर ने ये बता दिया कि अगर किसी में दम है तो वो योगी आदित्यनाथ की कुर्सी को हाथ लगा कर दिखाए। देखिए ये रिपोर्ट, तभी आपको पता चल सकेगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ, ऐसी कौन सी तस्वीर सामने आई कि मोदी और शाह हैरान रह गए और योगी का भौकाल दिख गया। उत्तर प्रदेश से लगातार खबरें आ रही हैं कि योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। खबर तो अंदर खाने से ये भी आई कि बहती गंगा में बृजेश पाठक भी हाथ धोने के लिए तैयार थे, लेकिन मौका देखकर वो पलट गए, यानी वो भी केशव प्रसाद मौर्य के साथ दूसरी नाव में सवार होने वाले थे, लेकिन योगी की ताकत के आगे इन सब को झुकना पड़ गया। अब एक तस्वीर आपको दिखाते हैं, ये तस्वीर सोशल मीडिया पर इस वक्त जबरदस्त तरीके से वायरल है, जिसे योगी के ताकतवर होने का प्रमाण भी बताया जा रहा है। दरअसल इस तस्वीर में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे ये तस्वीर विपक्षियों पर भारी पड़ सकती है, क्योंकि विपक्षी इस तस्वीर को देखकर अब खौफ में आ गए हैं। साफ तौर पर ये माना जा रहा है कि जितनी भी अफवाह उड़ रही हैं उन सभी पर ये तस्वीर फिलहाल विराम लगाती हुई नजर आ रही है, और इस तस्वीर से योगी के ताकतवर होने का प्रमाण साफ है। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि बीच में योगी आदित्यनाथ बैठे हैं, उनके दाएं बाएं दोनों उप मुख्यमंत्री बैठे हैं, जिनमें एक तरफ केशव प्रसाद मौर्य और दूसरी तरफ बृजेश पाठक हैं। ये तस्वीर ऐसे वक्त में सामने आई जब ये सभी दिल्ली से बैठक करने के बाद लौटे हैं। अब इस बैठक में क्या इन सभी को ये मूल मंत्र दिया गया है कि क्या विधानसभा चुनावों पर फोकस कीजिए, लड़ाई पर नहीं, या फिर इन सबसे कहा गया है कि आपसी मतभेद को आप जितना हो सकता है छुपाइए, कांग्रेस की तरह इस अंतर कलह को बाहर ना आने दें। जो भी हो, इस बैठक में जो भी मूल मंत्र दिया गया हो, लेकिन इतना जरूर है कि इसका असर अब होना शुरू हो गया है। ये तस्वीर सामने कहां से आई ये भी आपको बता देते हैं। दरअसल यूपी विधानसभा सत्र शुरू हो चुका है और उससे ठीक पहले विधायक दल की जो बैठक हुई उसमें ये तस्वीर सामने आई, जिसमें मंच पर योगी आदित्यनाथ थे, उनके आजू बाजू केशव प्रसाद मौर्य थे और बृजेश पाठक भी मौजूद थे। सूत्रों के हवाले से ये खबर मिल रही है कि सिर्फ बृजेश पाठक का पत्ता ही नहीं कट सकता, बल्कि दोनों उप मुख्यमंत्रियों को पद से हटाया जा सकता है। दो नाम इसमें सामने आ रहे हैं, एक तो लक्ष्मीकांत वाजपेयी का और दूसरा नाम है स्वतंत्र देव सिंह का। इन दोनों को बृजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य की जगह उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, वो भी 27 से पहले। ये फेर बदल हो सकता है, इस तरह की सिर्फ खबरें हैं, खबरों पे नहीं जाना चाहिए, इसको विराम दे देते हैं, क्योंकि यूपी से इसी तरीके की खबरें आ रही हैं। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे चर्चित खबर थी कि योगी को हटाया जाएगा, योगी की लड़ाई हो गई है, अमित शाह उनसे नाराज हैं, वो सारी चीजें, वो सारी खबरें अब उन सब पर विराम लगता हुआ नजर आ रहा है, जब से दिल्ली में इन सभी की एक साथ बैठक हुई है। बहरहाल यूपी बीजेपी में फूट थी या नहीं थी, या फिर उसे सुलझा लिया गया, ये तो यूपी बीजेपी ही जानेगी। लेकिन इन सब के बीच यूपी बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी, वो भी साफ कर चुके हैं कि कोई कहीं नहीं जा रहा, और शायद इसी के साथ उन्होंने ये भी इशारा दे दिया है कि 2027 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही होंगे। बहरहाल जो तस्वीर सामने आई, लोग कह रहे हैं कि अब किसी में दम हो तो योगी को हटाकर दिखाए,
जिसे देखकर लोग कह रहे हैं कि ये है योगी की ताकत, जिसे देखकर लोग कह रहे हैं कि ये है योगी की ताकत। आप इस तस्वीर को लेकर क्या राय रखते हैं ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ऐसी ताज़ा तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहें अपना उत्तर प्रदेश।